अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चॉकलेट सिरप। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताएंगे चॉकलेट सिरप में क्या क्या चीज़ डलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून बटर, 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस, 150 ml दूध, नॉर्मल दूध है, 1 टेबलस्पून मैदा, 5 टेबलस्पून शुगर। हमें एक बाउल लेनी है, हम शुगर डालेंगे, मैदा डालेंगे, कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर इजी मिल जाएगा, हर शॉप में मिलते हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल मैश होना चाहिए। इसी तरह इसे मैरिनेट करना है। कोको पाउडर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मैरिनेट हो चुका है। हमने यहाँ लिया है एक फ्राई पैन, हमने इसे 9 मीडियम पर रखा है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क, इसमें डालेंगे बटर, इसे हम 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें अब उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कोको चॉकलेट का मिक्सचर। हमें इसे लाते रहना है ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाए। चम्मच जल्दी जल्दी हिलाना है, इससे गुठलियाँ भी बन सकती हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत हिलाया, इसमें गुठलियाँ नहीं बनी है। अब हमें इसे गाढ़ा करना है, हिलाना है। अब आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, अपने घर में कर सकते हैं। हमारा चॉकलेट सिरप बन चुका है, बिल्कुल गाढ़ा आया है। अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये कैसे गाढ़ा आया है। हमारे चॉकलेट सिरप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ कुकिंग